क्या आप जानते हैं गाइस बाय और परचेज में क्या डिफरेंस है गाइस, और किस सिचुएशन पर गाइस हमें बाय का यूज करना चाहिए और किस सिचुएशन पर गाइस हमें परचेज का यूज करना चाहिए गाइस। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनका सही तरह से यूज किस तरह से कर सकते हैं गाइस, तो इस वीडियो को देखते रहिए गाइस। माय नेम इज सैम एंड यू आर वॉचिंग सेम स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस देखिए गाइस, बाय और परचेज दोनों ही गाइस हमारी एक वर्ब है गाइस, दोनों ही हमारी क्या है, एक वर्ब है गाइस। और दोनों का ही मतलब क्या होता है गाइस, खरीदना होता है गाइस। जब भी हम कुछ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो गाइस हमारे सामने एक सिचुएशन बनती है गाइस, और हमें ये कंफ्यूजन बना रहता है तो कहाँ पर बाय का यूज करें गाइस और कहाँ पर हम परचेज का यूज करें गाइस। तो इस वीडियो में हमें यही जानना है गाइस, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप बाय का यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी आप परचेज का यूज कर सकते हैं गाइस। इनके लिए भी इंग्लिश में एक पर्टिकुलर सिचुएशन है गाइस, उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं गाइस। तो इस वीडियो में गाइस प्रॉपरली हमें वही जानना है कि किस सिचुएशन पर हमें बाय और किस सिचुएशन पर हमें परचेज का यूज करना है। तो चलिए गाइस वीडियो को देख लेते हैं। सो गाइस देखिए, बाय का मतलब भी गाइस खरीदना होता है और परचेज का मतलब भी गाइस खरीदना ही होता है। ये दोनों ही वर्ब हैं गाइस, बाय भी हमारी एक वर्ब है और परचेज गाइस जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, परचेज हमारी एक वर्ब भी है गाइस और परचेज हमारा एक नाउन भी है गाइस। तो परचेज एज ए वर्ब भी वर्क करती है गाइस और परचेज हमारा एज ए नाउन भी वर्क करती है, वो भी हम देखेंगे आगे किस तरह से यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस कि बाय का किस तरह से यूज करते हैं। देखिए गाइस, बाय हमारी एक इरेगुलर वर्ब है गाइस। ये कौन सी वर्ब है गाइस? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होती है गाइस? इरेगुलर वो वर्ब होती हैं जिनकी फॉर्म जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो इनका जो रूप है गाइस, जो इनका रूप है वो चेंज हो जाता है गाइस, जिनके जो फॉर्म है वो बिल्कुल बदल जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं गाइस? हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। और रेगुलर वो वर्ब होती है जिनका फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होती है, वो बिल्कुल सेम रहती है, उनमें बस हम ईडी लगाकर उनको बना देते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। तो गाइस यहां पर देखिए, बाय हमारी एक इरेगुलर वर्ब है तो इरेगुलर वर्ब है। सेकेंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर लिखा है गाइस, जिसका ये है कि यूज्ड विद स्मॉल प्रोडक्ट्स, कि बाय का यूज हम कब करते हैं गाइस? जब हम छोटी मोटी चीजें परचेज करते हैं गाइस, तो वहां पर गाइस हम यूज करते हैं बाय, ना कि परचेज गाइस। जब भी आप मार्केट में जाते हैं गाइस, जब कुछ चीजें परचेज करते हैं, वो छोटी मोटी चीजें घर के सामान के लिए या आपकी डेली यूज के लिए जो भी चीजें होती है उनके लिए गाइस हम बाय यूज करते हैं, ना कि परचेज गाइस। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं गाइस, यहां पर है यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेस्ट। तो यहां पर बोला गया कि बाय का यूज गाइस फॉर्मल कंडीशन पर भी किया जाता है और इनफॉर्मल कंडीशन पर भी यूज किया जाता है बाय का। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, शी बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो यहां पर क्या लिखा है गाइस कि उसने मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो गिफ्ट गाइज यहां पर जो हमने गिफ्ट यूज किया है गाइज, वो एक छोटी सी चीज है गाइज, वो छोटा सा एक थिंग है। तो जब भी गाइज हम छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी चीजें खरीदते हैं, तो गाइज वहां पर हम यूज करते हैं बाय। तो इसीलिए गाइज उसने गिफ्ट खरीदा, तो गिफ्ट हमारी एक छोटी चीज से हमने यहां पर यूज किया बाय। नेक्स्ट है गाइज, वेयर डू यू बाय फ्रेश वेजिटेबल। तो देखिए गाइस, एक चीज यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में भी बताया था, इसको वेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेयर। तो हमने बोला गाइस, वेयर डू यू बाय फ्रेश वेजिटेबल। गाइस इसको ध्यान रखना है, इसको वेजिटेबल मत बोलना, इसको होता है वेजिटेबल, वेजिटेबल। ये जो ई होता है गाइस, ये इसमें बोला नहीं जाता है, तो यहां पर बोलेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स होता है गाइस, वेजिटेबल्स नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर लिखा गया गाइस, वेयर Do you buy fresh vegetable? कि आप ताजी सब्जियां कहां से खरीदते हैं? तो देखिए गाइस, जो यहां पर वेजिटेबल्स यूज किया गया है वो भी एक स्मॉल थिंग की सेंस में यूज किया गया, क्योंकि सब वेजिटेबल कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बिल्कुल छोटी चीजें हैं। तो गाइस इतना ही ध्यान रखना, जो हम डेली लाइफ में, जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, परचेज करते हैं छोटी मोटी चीजें, उनके लिए गाइस हम बाय यूज करते हैं। तो इसीलिए गाइस हमने यहां पर बाय को यूज किया, और यहां पर भी हमने बाय को ही यूज किया, यहां पर बाय की सेकंड फॉर्म यूज किया बॉट। चलिए गाइस देख लेते हैं आगे, माई फादर बॉट अ न्यू कार। यहां पर क्या लिखा है गाइस, माई फादर बॉट अ न्यू कार। तो यहां पर भी क्या किलो, देखिए गाइस कार हमारी क्या है, चीज ही है हमारी। आप ये कहोगे कार तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है गाइस, छोटी का मतलब ये नहीं है कि इसकी बहुत बड़ी चीजें होती हैं उन्हीं के लिए गाइस हम परचेज यूज करते हैं। अभी आगे देखेंगे किस तरह से यूज करनी है। तो यहां पर कार की वजह से, कार हमारी एक छोटी सी चीज है, छोटी सी का मतलब छोटा नहीं होता गाइस, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर में बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको कि बहुत बड़ी चीज होगी तो वहां पर हम परचेज करेंगे, नॉर्मल के लिए हम बाय ही यूज करेंगे। तो इसीलिए गाइस यहां पर हमने बाय की सेकंड फॉर्म को यूज किया बॉट।
तो इसलिए यहां पर बोट है। तो आपने देखा गाइस कि बाय का यूज हम कहां पर करते हैं, जब हम छोटी चीजें खरीदते हैं, छोटी मोटी जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उनको खरीदते हैं, तो वहां पर गाइस हम परचेज ना यूज कर हम वहां पर यूज करते हैं बाय। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट परचेज कहां पर यूज करते हैं। देखिए गाइस परचेज का मतलब भी होता है गाइस खरीदना, और ये भी हमारी क्या एक वर्ब है, और ये एक एज ए नाउन भी यूज की जाती है, वो आगे एग्जांपल में देखेंगे। देखिए गाइस परचेज जो हमारी है वो है गाइस रेगुलर वर्ब। तो मैंने बताया गाइस कि रेगुलर वो वर्ब होती है जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनाते वक्त हम इसी फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, और उन्हीं को बोलते हैं गाइस हम रेगुलर वर्ब। तो अगर मैं परचेज की सेकंड फॉर्म बनाऊं तो गाइस परचेज्ड होएगी, यहां पर मैं ओनली डी ऐड कर दूंगा तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी गाइस। तो वही रेगुलर वर्ब होती है, और इरेगुलर वो होती है जिनका रूप बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। देखिए गाइस यहां पर लिखा है परचेज यूज्ड विद लार्ज प्रोडक्ट्स। तो ये बात देखिए गाइस मैंने आपको बताया है कि जब परचेज का यूज हम बड़ी चीजों के साथ करते हैं, जब हम कोई बहुत बड़ी चीजें खरीदते हैं तो गाइस वहां पर हम परचेज का यूज करते हैं, ना कि बाय का। तो मैंने बताया गाइस कि बाय का यूज कहां पर करते हैं, जब हम छोटी चीजें खरीदते हैं, और परचेज का यूज कहां पर करते हैं गाइस, जब हम कोई बड़ी चीजें खरीदते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं गाइस, हम परचेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइस नॉट यूज्ड इन इनफॉर्मल कंटेस्ट। तो गाइज ये इनफॉर्मल कंटेस्ट में इनफॉर्मल कंडीशन पर इसका यूज नहीं किया जाता, ये फॉर्मली तौर पर ही यूज किया जाता है गाइज। तो ये देखिए गाइज तीन कंडीशन इनकी मैंने परचेज की बताया आपको कि जिन पर हम अप्लाई करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना कि स्मॉल चीजें खरीदेंगे आप, छोटी मोटी चीजें खरीदेंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे बाय, और अगर बड़ी चीजें खरीदेंगे तो वहां पर यूज करेंगे हम परचेज। देख लेते हैं गाइज एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द कंपनी परचेज्ड अ न्यू बिल्डिंग। तो देखिए गाइज यहां पर जो बिल्डिंग यूज हुआ है, अब आपको पता है बिल्डिंग कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो गाइज देखिए बिल्डिंग तभी सेंस में यूज किया गया यहां पर, और परचेज्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि बिल्डिंग एक बहुत बड़ी है। तो बड़ी चीजों के लिए ही बताया, जब हम किसी बड़ी चीजों को परचेज करते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं गाइज, हम परचेज्ड का यूज करते हैं। ये देखिए परचेज की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो इसीलिए गाइज हमने यहां पर परचेज्ड यूज किया क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज द गवर्नमेंट परचेज्ड अ न्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए गाइज यहां पर क्या क्या है, जो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है गाइज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है। किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं गाइज तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा, तो उसी की सेंस में गाइज हमने यहां पर क्या यूज किया है, यहां पर हमने परचेज्ड यूज किया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है। नेक्स्ट है गाइज ही बॉट अ डायमंड रिंग, द परचेज कॉस्ट हिम $2,000। अब देखिए गाइज ये यहां पर आपने बोट देख रहे होंगे कि यहां पर बोट लिखा है मैंने गाइज, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं गाइज यहां पर कि परचेज यहां पर जो यूज हुआ है यहां एज ए नाउन यूज हुआ है गाइज, ये जो परचेज यहां पर यूज हुआ है ये एज ए नाउन यूज हुआ है गाइज, यहां पर ये वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ है। यही बताया था गाइज कि परचेज हमारा एज ए वर्ब भी वर्क करता है और एज ए नाउन भी वर्क करता है, तो यहां पर जो यूज हो रहा है यहां पर ये वर्ब की सेंस में यूज हो रहा है और यहां पर ये नाउन की सेंस में यूज हो रहा है। तो आपने देखा गाइस कि जब भी हम छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं तो गाइस वहां पर हम यूज करते हैं बाय, और जब हम बड़ी चीजें खरीदते हैं गाइस वहां पर हम यूज करते हैं परचेज। तो आई होप गाइस आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती रहे गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।